उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के हजरतगंज इलाके में मंगलवार की शाम एक इमारत गिरी तो हादसे के बाद यहां पर भयावह स्थितियां देखने को मिली। लखनऊ की एक 5 मंजिला इमारत शाम को 6:50 के आसपास अचानक गिर गई। इस इमारत के मलबे में 40 लोगों के दबने की शुरुआती सूचना मिली तो सरकार में हड़कंप मच गया। घटना के तुरंत बाद यूपी सरकार के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सलाहकार अवनीश अवस्थी और उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद मौके पर पहुंचे। हादसे के बाद तत्काल एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवानों को भी मौके पर भेजा गया। मलबे से 3 शव निकाले गए। इसके अलावा कई लोगों को लखनऊ के अस्पतालों में भेजा गया। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि घटना के बाद लखनऊ के सारे अस्पतालों को अलर्ट पर रखा गया है। अस्पतालों में पर्याप्त मात्रा में खून की उपलब्धता भी सुनिश्चित कराई गई है जिससे किसी गंभीर स्थिति में मरीजों के इलाज में कोई दिक्कत ना आए। इसके अलावा सरकार के स्तर पर तमाम सीनियर डॉक्टर्स को भी हिदायत दी गई है कि वो अस्पताल में मौजूद रहें ताकि मरीजों को असुविधा ना हो। इतने लोगों को अभी तक बाहर बचा लिया गया है, शेष लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू चल रहा है युद्ध स्तर पर। हर स्तर स्थिति में हम लोगों को सुरक्षित बचा करके अस्पताल ले जाएंगे। सर, उन 9 लोगों की क्या कुछ स्थिति है, हादसा कैसे हुआ? सर, अचानक बिल्डिंग 6:53 पर कोलैप्स की है और अभी तो जांच रिपोर्ट के बाद ही कहा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बना यह अपार्टमेंट याजदान बिल्डर्स द्वारा बनाया गया था। शुरुआती सूचना के मुताबिक इस इमारत में लखनऊ में आए भूकंप के बाद दरारें पड़ी थीं। शाम को इमारत में कोई ड्रिलिंग का काम हो रहा था, इसी दौरान ये इमारत गिर पड़ी। बताया जा रहा है कि इस घटना के 1.5 घंटे बाद यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के जवानों ने मलबे से कई लोगों को निकाला। वहीं कई लोगों के दबे होने की सूचना मिली जिसमें समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जिशान हैदर का परिवार भी शामिल था। जिशान हैदर का भी परिवार अंदर बताया जा रहा है फंसा हुआ है, सर उसको लेकर क्या कुछ? देखिए, वो हमारे सब बहुत मित्रगण हैं, विरोधी पार्टियों के हो सकते हैं, लेकिन हमारी प्राथमिकता है कि उनके परिवार के लोग सुरक्षित निकल आएं बाहर। यही हम दुआ, ईश्वर से दुआ भी करते हैं। 9 लोग सुरक्षित निकाले जा चुके हैं और आगे भी हम उम्मीद करते हैं कि और लोगों को भी हम सुरक्षित निकाल पाएं। जो इस बिल्डिंग में लोग रहते थे इनमेट्स, तो उसके आधार पर अभी हमारा ये अप्रोक्सीमेट अंदाज है कि 5-6 लोग ज़्यादा से ज़्यादा अंदर और होने चाहिए। और हम लोगों ने इसको 3 जगह से ब्रीच कर लिया है। हमारी टीम्स अंदर चली गई हैं। एक व्यक्ति अंदर है, वो उसको हमने मोबाइल फ़ोन हमारी एनडीआरएफ की टीम ने दिया है उससे बातचीत करने के लिए। तो उसको कोशिश कर रहे हैं कि उसको भी बाहर निकाल लें और बाकी अन्य परिवारों को जो है हम लोग सकुशल उसको बाहर निकाल। और अभी जो हमारे पास जो लोग निकल के आए हैं और जो लोग यहाँ स्थानीय लोग हैं, उनकी सूचना के अनुसार इसमें कुल 5 से 6 लोग और हो सकते हैं और अभी तक कोई कैजुअल्टी नहीं है। रेस्क्यू एफर्ट आप देख सकते हैं युद्ध स्तर पे चल रहा है और हमें पूरी उम्मीद है कि हम बाकी लोगों को भी निकाल पाएंगे। ये शाम को 7 बजे दुर्घटना हुई है और तत्काल हमारी 18 एम्बुलेंसेज यहाँ पे अवेलेबल हो गई थी। इसके बाद KGMC बलरामपुर हॉस्पिटल, सिविल हॉस्पिटल, हॉस्पिटल की एम्बुलेंसेज भी मैन पावर के यहाँ पे उपस्थित थी। मैं स्वयं और हमारे अधिकारी डॉक्टर ए पी सिंह वगैरह सब यहाँ पे टीम बना के आ गए थे। अभी तक यहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। सिचुएशन डायनेमिक है। 7 पेशेंट जो है सिविल हॉस्पिटल में एडमिटेड है, उसके लिए ग्रीन कॉरिडोर बना दिया गया है यहाँ से सिविल हॉस्पिटल तक, और सभी स्टेबल है। 2 का CT स्कैन कराया गया है और KGMC और बलरामपुर अलर्ट पे है। सारे ऑर्थोपेडिक सर्जन, सारे सर्जन और सारे फिजिशियंस बुला लिए गए हैं और अगर कोई भी कॉम्प्लिकेशन होता है तो आगे रेफर करने का कोई कैजुअल्टी नहीं अभी तक। इस घटना के बाद सरकार अलर्ट पर है। वहीं योगी आदित्यनाथ ने इस घटना पर दुख जताते हुए सभी एजेंसियों को तेजी से रेस्क्यू ऑपरेशन करने की हिदायत दी है। ये भी कहा है कि अगर कोई भी जरूरत हो तो सरकार के स्तर पर हर संभव मदद दी जाएगी। हादसे के कारणों की जाँच बाद में होगी। सरकार की पहली प्राथमिकता इस वक्त लोगों को रेस्क्यू करना है। नवभारत टाइम्स ऑनलाइन की रिपोर्ट।